जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी वैकेंसी जारी हो चुकी है दोस्तों। ये वैकेंसी है आपकी इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023। दोस्तों 2023 की पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है। ये वैकेंसी है आपकी 30,000 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी आपकी जारी हो चुकी है। ठीक है, हम बात करेंगे राज्य वाइज कितनी कितनी वैकेंसी जारी की गई है, आपकी फॉर्म फिलअप कब से चालू हो रहे हैं, इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना कब है। ठीक है, इसके अलावा आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, वेतन, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी वैकेंसी जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी जारी हो चुकी है, जिसको अपन बोलते हैं जीडीएस की वैकेंसी। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक, इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। आपकी जो पोस्ट है इसमें वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दो प्रकार की वैकेंसी है। पहली है आपकी बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, हम बात करें अगर आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आवेदन आपके 3/8/2023 से, यानी कि आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, आप 23/8/2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारना कैसे, तो आपको इसके लिए टाइम दिया गया है 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आप अपने फॉर्म में हुई किसी भी प्रकार की गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर आयु सीमा की कि किस उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूआर के, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी एससी से हैं, तो ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 43 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एससी वाले 5 साल, यानी कि 18 साल से 45 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें कि अगर एज काउंट कब होगी, तो 23/8/2023 यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 23 तारीख, तो इस दिन को अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, 23 अगस्त को अगर आप 18 साल से 40 साल के बीच में हैं तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि क्या योग्यता आपके अंदर हो कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो आपका पहले 10वीं पास होना जरूरी है, और 10वीं में आपका मैथ और इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैथ और इंग्लिश आपके 10वीं में था तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है उड़ीसा के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उड़ीसा के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उड़िया भाषा आनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मराठी आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए। तो इसी प्रकार सभी राज्यों के लिए जो भाषाएं हैं वो आपको आनी चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि उसकी भी आपका टेस्ट उसका लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, वो तो अगर नहीं आता तो सीख भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कंप्यूटर भी चलाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं वेतन की। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसका वेतन है लगभग आपको सारे अलाउंसेस सब कुछ जोड़ने के बाद लगभग लगभग 14,000 के आसपास आपको वेतन मिलेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपको लगभग 12,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है स्टार्टिंग में, फिर आपका इसमें बढ़ते रहता है, हर साल 3% के आसपास इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेतन। तो अब हम बात कर लेते हैं आपका स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है उसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश आपका 1,058 पोस्ट, असम 855, बिहार में 2,300 पोस्ट। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ में 721 पोस्ट, दिल्ली में 22 पोस्ट, गुजरात में 1,850 पोस्ट,
हिमाचल प्रदेश में आपका 418 पोस्ट, जम्मू कश्मीर में 300, झारखंड में 530 पोस्ट, कर्नाटका में 1714 पोस्ट, केरला में 1508 पोस्ट, मध्य प्रदेश में 1565 पोस्ट, महाराष्ट्र में 3154 पोस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपका 500 पोस्ट, उड़ीसा में आपका 1279 पोस्ट, पंजाब में 336 पोस्ट, राजस्थान में 2031 पोस्ट, तमिलनाडु में 2994 पोस्ट, उत्तर प्रदेश में 3084 पोस्ट, उत्तराखंड में 519 पोस्ट, वेस्ट बंगाल में 2127 पोस्ट, आपका तेलंगाना में 961 पोस्ट, हरियाणा में आपका 215 पोस्ट, आंध्र प्रदेश 1058, असम 855। तो इस प्रकार लगभग 30,000 से अधिक पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब बात करें अगर चयन प्रक्रिया की कि किस किस प्रोसेस से होकर आपका चयन होगा, तो आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल 10वीं के परसेंट के हिसाब से आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।